बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद देर रात भागलपुर पहुंचे। सर्किट हाउस में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं समेत नगर निगम के अधिकारियों ने बूके और फूलों से उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने आज के कार्यक्रम को लेकर मेयर सीमा शाह, डिप्टी मेयर राजेश वर्मा, भाजपा नेता अजीत शाश्वत चौबे, भाजपा जिलाध्यक्ष रोहित पांडे, भाजपा नेता बंटी यादव के साथ बैठक की। उप मुख्यमंत्री ने शहर की समस्याओं पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि कई काम यहाँ होना है। उन्होंने कहा कि भागलपुर मेरी पहली बार आना हुआ है। आज कई विभागों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और क्या समस्याएं हैं उसको समझेंगे। नगर निगम के अधिकारियों, महापौर और उप महापौर के साथ बैठक करेंगे। स्मार्ट सिटी की जनता परियोजनाओं पर काम चल रहा है उसका निरीक्षण करेंगे। स्मार्ट सिटी का काम काफ़ी विलंब से शुरू हुआ है। साफ सफाई, जल की निकासियों पर चर्चा होगी, क्या कमियाँ हैं उसको देखा जाएगा। शहर में फ्लाईओवर के सवाल पर उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर के लिए रोड की चौड़ाई देखनी होती है। 87 से 100 फीट सड़क चौड़ी होगी तभी फ्लाईओवर हो सकता है। वहीं उन्होंने आश्वस्त किया है कि शहर में पार्किंग की व्यवस्था सुदृढ़ होगी। बनने के बाद ये पहली बार भागलपुर का मेरा दौरा है और कल मुख्य रूप से जो हमारे राजस्व के जो प्रक्षेत्र हैं, जो अलग अलग विभाग हैं, उसकी हम समीक्षा करेंगे। मुख्य तौर पर वाणिज्य कर, निबंधन, खनन और इस तरह के और भी जो विभाग हैं उसकी समीक्षा करेंगे, उसके राजस्व की क्या स्थिति है। और विगत जून और अभी जो जून बीता इसमें क्या अंतर है, क्या कठिनाई है उसको समझेंगे। और दूसरी बात कि फिर एक घंटा नगर निगम के अधिकारियों के साथ, महापौर उप महापौर के साथ भी बैठक करेंगे कि स्मार्ट सिटी के जो कार्य चल रहे हैं वो तो एक अलग है, वो इस पे भी है, उसके अंतर्गत वो हो रहा है, उसका भी जितने परियोजनाओं पर काम चल रहा है उसका निरीक्षण करके अद्यतन स्थिति जानेंगे, क्योंकि वो काफ़ी विलम्ब से प्रारंभ हुआ। आप जान ही रहे हैं कि काफ़ी कच्छप गति रही है, तो उसको कैसे हम नियत समय में उन कार्यों को पूरा कैसे करें, या क्या जो योजनाएं चल रही है उसकी क्या वायबिलिटी है, उन चीज़ों को भी हम देखेंगे। और दूसरा क्या कि जो नगर निगम है उसके जो मूल तत्व है, साफ सफाई मतलब स्वच्छता और जल की निकासी और इस तरह के जो कई इशूज हैं, जो स्थानीय नगर निकाय से जुड़े हुए जो विषय हैं, उन विषयों पर भी चर्चा करेंगे, देखेंगे कि उसमें क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं और कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि भागलपुर स्मार्ट सिटी में भी सम्मिलित है। तो स्मार्ट सिटी की जो परियोजनाएं हैं वो तो अलग हैं, लेकिन आम लोगों में लगता है कि स्मार्ट सिटी है तो हमारा शहर स्वच्छ होना चाहिए। उन सारी चीज़ों को भी देखेंगे और फिर भागलपुर जिला के और भी अपने प्रमंडल हैं, ग्रामीण कार्य विभाग है, पथ निर्माण प्रमंडल है, तो इनकी क्या प्रगति है, जो योजनाएं स्वीकृत हुई है या जो निविदा प्रक्रिया जिसकी पूर्ण हुई है, कार्य प्रारंभ है, तो उसकी क्या स्थिति है, उन सारी चीज़ों को देखेंगे और फिर कल एक बार आपसे हम लोग इन चीज़ों को देखकर एक अलग से फिर आपके साथ हम लोग बैठे। एक चीज़ सर, कि जैसे भागलपुर कुछ सुझाव देना है तो दीजिए कि कल हम क्या देखें। सुझाव ही है वो दीजिए, बस बहुत अभी क्वेश्चन आए का नहीं है, कल करेंगे उसके बाद। सुझाव की ही बात कर रहे हैं, भागलपुर में अभी जो सबसे बड़ी जो बेसिक जरूरत है वो है फ्लाईओवर की। एक फ्लाईओवर नहीं, जैसे आप पटना में बनाए हैं, ये शहर तो बहुत बड़ा हो रहा है। सड़क की चौड़ाई क्या है कि जो फ्लाईओवर वहाँ ज़्यादा बेहतर होता है, जहाँ की सर्विस रोड हम दे सकें, अन्यथा बड़ी कठिनाई है, क्योंकि नीचे फिर जो दुकान है, मकान है, फिर वहाँ पर ट्रैफिक मूवमेंट नहीं हो पाता है, व्हीकल मूवमेंट नहीं होगा तो
बड़ी कठिनाई होती है। तो लगभग हमको लग रहा है कि 87 से 100 फीट अगर चौड़ी सड़क है तो वहाँ ज़्यादा वो उपयुक्त होता है, जो मानक है पथ निर्माण विभाग का, हम उस आधार पर बतला रहे हैं। और वास्तव में सभी सड़कों की कमोबेश स्थिति यही है, अगर सड़कें चौड़ी हो तो फिर उसके वहाँ फ्लाईओवर वगैरह में बहुत सुविधा होती है, और जान लीजिए कि वहाँ के फिर जो हमारी दुकानें हैं उसको भी सहूलियत होती है, अन्यथा बहुत कठिनाई है। एक बार फ्लाईओवर बन गया और सर्विस रोड काफ़ी सकड़ा है तो फिर बड़ा व्यापार को भी नुकसान करता है। लेकिन उन चीज़ों पर भी हम यहाँ ट्रैफिक और जो हमारे पुलिस अधीक्षक हैं उनसे भी बात करेंगे, और कई हैं इसी तरह के कई बिंदु हैं जो किसी शहर के लिए वो तो नगर निगम के लोगों के साथ बैठे। और फिर हम जाएंगे यहाँ सुल्तानगंज मेडिकल, वहाँ नगर नहीं मेडिकल कॉलेज हम कल के कार्यक्रम में, फिर एक बार हमको स्वतंत्रता दिवस पर आना है, मुंगेर के प्रभारी हैं, हमको लगता है कि उसके आसपास एक दौरा और करेंगे, या दो दिन और पहले आ जाएंगे, दौरा करके तब मुंगेर जाएंगे, क्योंकि भागलपुर को थोड़ा विशेष तौर पर देखने की ज़रूरत है। यहाँ काफ़ी संभावनाएँ हैं और जो इर्द गिर्द की जो आबादी है उसका एक बड़ा केंद्र है। केंद्र क्या, हम लोग बुझे कि कटिहार तक का कभी केंद्र हुआ करता था, पुल बनने के बाद तो और अच्छी बात हुई थी।